सनसनी ऑफ इंडिया। क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने मालवीय नगर के पंचशील विहार इलाके से एक ऐसे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है जिसमें एक विदेशी एजेंट विदेश से विदेशी महिलाओं को अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर भारत लाता था और दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में रहने वाला विदेशी पति पत्नी का जोड़ा विदेशी महिलाओं को बहला फुसला कर देह व्यापार के धंधे में धकेल देता था। विदेशी पति पत्नी का जोड़ा इतना शातिर था कि किसी अनजान शख्स से बात नहीं करते थे और आम सेक्स रैकेट की तरह इनका भी व्हाट्सएप ग्रुप था, लेकिन ग्रुप से केवल क्लोज लोगों को ही जोड़ रखा था। पुराने ग्राहकों के रेफरेंस से ही आने वाले लोगों को ही अटेंड करते थे। लेकिन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने आरोपियों से चार कदम आगे निकलकर आरोपियों की मोडस ऑपरेंडी से ही सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 10 विदेशी लड़कियों को रेस्क्यू करने के साथ सेक्स रैकेट का सरगना 48 वर्षीय तुर्कमेनिस्तान देश का नागरिक दिल्ली में सनलाइट कॉलोनी निवासी मेरेदोब अहमद, सरगना की 37 वर्षीय पत्नी तुर्कमेनिस्तान देश की निवासी जुमायवा अजीजा, पंचशील विहार मालवीय नगर निवासी विदेशी एजेंट 48 वर्षीय अली शेर, मालवीय नगर निवासी 34 वर्षीय एजेंट मोहम्मद अरू, दरभंगा बिहार निवासी 30 वर्षीय एजेंट चंदे साहिनी उर्फ राजू को गिरफ्तार किया है। विचित्र वीर डीसीपी ने क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की कई अलग अलग टीमों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर अंकुश लगाने और अपराधियों पर नजर रखने का काम सौंपा हुआ है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने दिल्ली NCR में मुखबिरों का जाल बिछा रखा है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को मुखबिर से टिप मिली कि दिल्ली के मालवीय नगर के पंचशील इलाके में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए विदेशी लड़कियों को नौकरी के नाम पर लाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। मुखबिर से मिली टिप को कंफर्म करने के लिए इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने खुद सादी वर्दी में मालवीय नगर के पंचशील इलाके में मकान नंबर B13 पर नजर रखी तो उन्हें फ्लैट में विदेशी लड़कियों और कुछ अन्य लोगों की सस्पेक्ट एक्टिविटी देखने को मिली। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि फ्लैट नंबर B13 की चौथी मंजिल पर विदेशी लड़कियों का सेक्स रैकेट चलता है। विदेशी लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए यहां लाया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भंडाफोड़ करने के लिए विचित्र वीर DCP क्राइम ने SK गुलिया, ACP एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सुपरविजन वर इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार और इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में SI बहादुर शर्मा, महिला SI सुमन बजाज, गुंजन सिंह, सुनीता, ASI जसबीर सिंह, संजय, राजेश, रामचंदर, नवीन पांडेय, शशिकांत, सुनील, महिला हेड कांस्टेबल स्वीटी, हेड कांस्टेबल मनोज, दिलीप, कांस्टेबल सोहनवीर, मोहित व हरेंद्र की एक टीम का गठन किया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ASTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने कल एक रैकेट बस किया है। इस रैकेट में जो हम लोगों ने पाया है वो ये है कि विदेशी महिलाओं को यहाँ पर अच्छी जॉब प्रोवाइड करवाने के नाम पर लाया जाता था और यहाँ पर लाने के बाद उनको प्रोस्टिट्यूशन और पेड सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस दौरान हमारे पास जो सूचना मिली थी वो करीब एक महीने पहले हमें इसके बारे में जानकारी मिली थी, जिसको टीम ने बहुत डिटेल में जाके सूत्रों से और लोकेलिटी में इंक्वायरी के तहत उसको वेरीफाई किया और फिर एक डिकॉय कस्टमर के को इस्तेमाल करके वहाँ पर भेज करके और तब हम इस रैकेट को बस्ट करने में कामयाब हुए हैं। ACPS के गुलिया ने दो पुलिस वालों को ग्राहक बनाकर सादी वर्दी में फ्लैट नंबर B13 की चौथी मंजिल पर भेजा, किंतु सेक्स रैकेट का सरगना मेरेदोब अहमद इतना शातिर था कि पुराने ग्राहकों के बिना रेफरेंस और बिना एजेंट के आने वाले नए ग्राहकों से बात तक नहीं करता था। सादी वर्दी में गए पुलिस वालों को वापस लौटना पड़ा। जांच टीम ने सेक्स रैकेट के सरगना मेरेदोब अहमद के व्हाट्सएप ग्रुपों को भी खंगाला ताकि किसी व्हाट्सएप ग्रुप से आरोपी के सेक्स रैकेट की एक्टिविटी के बारे में पता चल सके, लेकिन आरोपी अपने सेक्स रैकेट के धंधे को बड़े ही क्लोज नेटवर्क में चला रहा था। इन्होंने आम सेक्स रैकेट की तरह अपने धंधे का भी व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था और लड़कियों की व्हाट्सएप से भी डील करता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई भी उन्हें हाय लिखकर भेजे और बात आगे बढ़ जाए। हाय भेजने वाले से रेफरेंस पूछा जाता था, जब उन्हें लगता था कि हाँ उन्हीं के किसी बंदे ने नंबर दिया है तो बात आगे बढ़ती थी, वरना वह उसे ब्लॉक कर देते थे। ऐसा केवल पुलिस से बचने के लिए किया जाता था। आरोपियों की मोडस ऑपरेंडी से DCP क्राइम विचित्र वीर को समझने में देर नहीं लगी कि बिना किसी एजेंट या पुराने क्लाइंट रेफरेंस के बिना आरोपियों को दबोचना संभव नहीं है, इसलिए आरोपियों की मोडस ऑपरेंडी से ही आरोपियों को दबोचने की योजना बनाई। DCP क्राइम विचित्र वीर की योजना को अमल में लाने के लिए ACPS के गुलिया ने टीम के कुछ सदस्यों को नकली ग्राहक बनाकर सेक्स रैकेट के दलालों से दोस्ती करने को कहा। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार और इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार की टीम ने सेक्स रैकेट के दो दलालों मोहम्मद अरूप और चंदे साहनी उर्फ राजू की पहचान की और सादी वर्दी में नकली ग्राहक बनकर इनसे नजदीकियां बढ़ाई।
और जब टीम को लगा कि एजेंटों को उनके ऊपर विश्वास हो गया है तो उन्होंने ज्यादा पैसे का लालच देकर विदेशी लड़कियों से पेड सेक्स की इच्छा जाहिर की। लगभग एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद डीसीपी क्राइम विचित्र वीर की योजना कामयाब हो गई। दलालों ने ज्यादा पैसे के लालच में नकली ग्राहक बने पुलिस वालों को पेड सेक्स के लिए B13 चौथी मंजिल पंचशील विहार आने को कहा। ACPS के गुलिया आरोपियों को दबोचने का यह मौका किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भंडाफोड़ करने और आरोपियों को दबोचने के लिए हेड कांस्टेबल सोहनवीर को फर्जी ग्राहक व ASI राजेश को गवाह बनाकर एजेंट के बताए पते पर भेज दिया और टीम के बाकी सदस्यों को फ्लैट के चारों तरफ तैनात कर दिया। फर्जी ग्राहक बनकर गए पुलिस वालों को मौके पर दोनों एजेंट मोहम्मद अरूप और चंदे साहनी उर्फ राजू के साथ सेक्स रैकेट का सरगना मेरे दो अहमद भी मिला। एजेंटों के माध्यम से आने पर सेक्स रैकेट के सरगना मेरे दो अहमद ने फर्जी ग्राहक बनकर आए दोनों पुलिस वालों से कोई पूछताछ नहीं की और रेट तय होने पर पेड सेक्स के लिए 10 विदेशी लड़कियां दिखाए। डील फाइनल होने के बाद नकली ग्राहक बनकर गए हेड कांस्टेबल सोहनवीर ने टीम को इशारा कर वहां बुला लिया। इसके बाद फौरन टीम ने मौके पर छापा मारकर सभी 10 विदेशी लड़कियों को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया। जांच के दौरान कोई भी विदेशी लड़की अपना पासपोर्ट और वैध वीजा नहीं दिखा पाए। सभी लड़कियां उज्बेकिस्तान की रहने वाली थीं। टीम ने मौके से सेक्स रैकेट के सरगना और उसकी पत्नी सहित 5 लोगों को भी दबोच लिया। लगातार पूछताछ करने पर टीम को पता चला कि सनलाइट कॉलोनी निवासी जुमायवा अजीजा और उसका पति मेरे दो अहमद इस रैकेट के सरगना है। इनका तीसरा साथी अली शेर जो उज्बेकिस्तानी नागरिक है वो अपने देश से लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर भारत लाता है। यहां इनके पासपोर्ट व दूसरे कागजात रखकर उनसे जबरन वेश्यावृत्ति कराई जाती है। पूछताछ के बाद पुलिस ने दंपति समेत तीनों विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। फ्लैट नंबर B13 को अजीजा के एक एजेंट ने किराए पर लिया था और जो अभी भी फरार है। पुलिस ने मौके पर से आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस आशंका जता रही है कि इनके गैंग में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। गिरफ्तार पहला आरोपी सेक्स रैकेट का सरगना 48 वर्षीय मेरेडोब अहमद मकान नंबर 1 फरवरी 80 दूसरी मंजिल जीवन नगर सनलाइट कॉलोनी का रहने वाला है। यह तुर्कमेनिस्तान देश का नागरिक है। दूसरी आरोपी 37 वर्षीय जुमायवा अजीजा पत्नी मेरेडोब अहमद भी गैंग की सरगना है। यह अपने पति के साथ की सनलाइट कॉलोनी में रह रही है। तीसरा आरोपी 34 वर्षीय मोहम्मद अरूप पुत्र मोहम्मद कलीमुद्दीन थाना पूर्णिया जिला कटिहार बिहार का रहने वाला है। यह दिल्ली में B49 पंचशील विहार में रह रहा था। यह लड़कियों की दलाली का काम करता था। चौथा आरोपी 30 वर्षीय चंदे साहिनी उर्फ राजू पुत्र राम नरेश वार्ड नंबर 6 दरभंगा बिहार का रहने वाला है। यह भी लड़कियों की दलाली का काम करता था। पांचवा आरोपी 48 वर्षीय अली शेर तिलदादेव पुत्र इंखमत झा नोविच B21 पंचशील विहार मालवीय नगर का रहने वाला है। यह भी एक विदेशी नागरिक है और यही विदेश से महिलाओं को नौकरी के नाम पर बहला फुसला कर भारत लाता था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। इस ऑपरेशन के इस रेड के दौरान हमने 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की है और 10 विदेशी महिलाएं हमें वहां पर मिली हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। उम्मीद है कि इससे संबंधित और जो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं उनको हम इस चेन को आगे बढ़ाते हुए हम ढूंढ पाएंगे और उनको भी फर्दर गिरफ्तारियां करेंगे। जो गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं उनमें 5 में से 3 फॉरेन नेशनल्स हैं, जिसमें से 2 तजाकिस्तान के रहने वाले, सॉरी 2 तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले और 1 उज़्बेकिस्तान का रहने वाला नागरिक है और 2 भारतीय नागरिक हैं। इनमें से जो टीम काम कर रही थी क्राइम की ASTU की, उसमें से इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार और इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, ये 2 इंस्पेक्टर साहिबान की टीम ने इस पर लगातार काम किया है करीब 1 महीने में, तब हम इस रैकेट को बस करने में सफल हुए हैं। जो एक्यूज़ हमने गिरफ्तार किए हैं उसमें मोहम्मद अरूप और चंदे साहिनी, ये एजेंट का काम करते थे जो क्लाइंट्स को ढूंढ के और ट्रांजैक्शन को अंजाम दिलवाते थे। इससे अलग शेर अली जो कि एक विदेशी नागरिक है, ये लड़कियों को वहाँ से जॉब दिलवाने के बहाने पर यहाँ पर बुलाता था। और यहाँ पर अजीज़ा और अहमद, ये 2 किंग पिन हैं इस पूरे रैकेट के। ये लड़कियों को इन लोगों को सुपुर्द करके
और फिर उनको प्रोसिक्यूशन में उन लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था। पासपोर्ट, मोबाइल फ़ोन और कुछ एक दस्तावेज़ हैं ट्रैवल से रिलेटेड जो हमने इस दौरान बरामद किए हैं, उनकी वेरिफिकेशन अभी जारी है। उसके बेसिस पर जो भी फर्दर कानूनी कार्रवाई बन पड़ेगी वो कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।